हेलो नमस्कार दोस्तों, 24 फरवरी 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं वो डिस्कस करते हैं और मेंस का क्वेश्चन भी। तो आज का जो मेंस का क्वेश्चन है वो आपको वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा, क्योंकि आज काफ़ी लेट हो गया हूँ मैं बनाने में। तो जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले जो आर्टिकल है वो आज मेनली आया है वो कुसुम स्कीम के बारे में आर्टिकल है, कि किसानों को जो सोलर पंप लेने के लिए गवर्नमेंट स्कीम लेके आई थी इस साल के बजट में उसके बारे में। तो जो इसकी PDF है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, क्योंकि PDF अभी अपलोड नहीं हो पा रही थी, कुछ एरर आ गया था। तो उसकी वजह से मैं जो न्यूज़पेपर का कटिंग है उसी से वीडियो वो बना रहा हूँ। तो इस आर्टिकल में मेनली GS3 के लिए इंपॉर्टेंट होता है कुछ पॉइंट इसमें, और GS2 में भी ये पॉइंट है यूज़ हो जाएंगे। तो देखो, इस आर्टिकल में सबसे पहले ये बताया गया है कि भाई गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई थी जिसका नाम है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, मतलब कुसुम स्कीम गवर्नमेंट लेके आई थी। मोटो ये था कि भाई किसानों को सस्ती रेट पर बिजली दी जाएगी और सस्ती रेट पर सोलर पंप हैं वो दिए जाएंगे, मतलब किसानों को इंटेंसिव देगी ताकि किसान है वो बाहर से सस्ती रेट में सोलर पंप वगैरह खरीद लें, और वो जो इलेक्ट्रिसिटी पे उनकी निर्भरता होती है पावर ग्रिड वाले पे वो थोड़ी कम हो जाएगी, और वो अपना आराम से जो अपनी खेती वगैरह वो कर सकें। इसके लिए गवर्नमेंट लेके आई किसान स्कीम कुसुम स्कीम। बट राइटर ये कह रहे हैं कि देखो कुसुम इसके काफ़ी अच्छे फायदे हैं, बट गवर्नमेंट को इसके लिए थोड़ी काम करने की जरूरत है, मतलब थोड़ा गवर्नमेंट को पैसा खर्च करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को प्रॉपर ढंग से प्लान बनाना पड़ेगा। जैसे गवर्नमेंट ने स्कीम तो लेके आई है कि भाई 2022 तक किसानों की इनकम है वो डबल करनी है, इसी के साथ गवर्नमेंट ने नया टारगेट रखा है कि किसानों को सस्ती रेट पर बिजली है वो भी मिलेगी। और इसके लिए गवर्नमेंट ने अभी डिसाइड किया कि अप्रोक्सीमेट गवर्नमेंट है वो 2 लाख के आसपास सोलर पंप है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी अभी स्टार्टिंग में, उसके बाद और भी सोलर पंप है उसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। बजट वगैरह फंड कितना है वो तो हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है नहीं, आर्टिकल के लिए इतना काम का नहीं है। इसके साथ आर्टिकल ये कह रहा है कि देखो किसान जो कुसुम स्कीम लेके आई है गवर्नमेंट, इसका एक फायदा होगा क्योंकि कुसुम स्कीम में गवर्नमेंट ये कर रही है कि जो सोलर पंप यूज किए जाएंगे ना किसानों के द्वारा, उन सोलर पंप में ये होगा कि भाई सोलर पंप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी करेंगे, और फिर वो जो ही सोलर पंप को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए मतलब पानी जमीन से पानी निकालने के लिए, तो उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज भी कर लेंगे। तो इससे एक फायदा होगा कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक सोलर पंप ने एक दिन में 100 यूनिट बिजली है वो प्रोड्यूस की, अगर उसको 80 यूनिट ही इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है तो क्या करेगा, 80 यूनिट तो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर लेगा और 20 जो इलेक्ट्रिसिटी यूनिट जो एक्स्ट्रा है ना उसके पास वो क्या करेगा, वो पावर ग्रिड को दे देगा, मतलब जहाँ से उसके पास लाइट आती है ना नॉर्मली उसको सप्लाई कर देगा। इससे होगा कि किसानों को कहेंगे 20 जो यूनिट किसानों ने बेची है ना इसका किसानों को फायदा हो जाएगा। और कई बार ऐसा होगा कि भाई किसानों को ज़्यादा यूनिट की जरूरत है, मौसम साफ नहीं है और किसानों ने क्या किया भाई किसान है वो 50 यूनिट ही प्रोड्यूस कर पाया, तो उस कंडीशन में किसान को 30 यूनिट और चाहिए होती है तो किसान क्या करेगा से खरीद लेगा। तो मतलब एक तरीके से नेट मीटरिंग वाला कॉन्सेप्ट है कि किसान क्या करेंगे जब उनके पास ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूनिट होगी तो वो बेच भी देंगे ग्रिड को, और कम यूनिट होंगी तो वहां से वापस खरीद भी लेंगे। तो ये वाला सिस्टम होगा, इससे किसानों को एक तो इनकम बढ़ेगी और एक फायदा होगा कि इससे किसान है ना फालतू की जो ग्राउंड वाटर है ना उसका यूज नहीं करेंगे, मतलब किसान है वो फालतू की मोटर वगैरह नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे, क्योंकि किसानों को भी लालच रहेगा कि यार अगर इलेक्ट्रिसिटी बचेगी तो उसको मैं पावर ग्रिड को बेचूंगा तो मुझे डायरेक्टली पैसे मिलेंगे, इससे अच्छा है ना कि क्यों मैं पानी को वेस्ट करूं। तो इससे किसानों में पानी ग्राउंड वाटर का जो एक तरीके से ग्राउंड वाटर को ज़्यादा कंजप्शन करने का मेथड होता है उसको भी लगाम है वो लगेगी। एक इसके साथ फायदा ये होगा कि किसानों की जो गवर्नमेंट रखी है भाई 2022 तक इनकम डबल करनी है उसमें भी काफ़ी गति है वो मिलेगी, तो वो पॉइंट भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे राइटर एक इश्यू बता रहे हैं छोटा सा, राइटर का ये कहना है कि देखो गवर्नमेंट को इसके लिए सबसे अहम काम होगा कहना कि गवर्नमेंट को मैनेजमेंट सही करना होगा, मतलब जो व्यवस्था है ना वो बहुत ढंग से करनी होगी। अभी तक गवर्नमेंट क्या है प्लान बहुत अच्छा लेके आई है कि हाँ भाई इस तरीके से हमें करना है पावर ग्रिड बनाने हैं और किसानों को इस तरीके से सस्ती रेट पर बिजली देनी है और किसान भी अपनी जो सोलर पंप है उसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे और किसानों को भी फायदा होगा और गवर्नमेंट को भी फायदा होगा। बट राइटर ये कह रहे हैं कि देखो होता क्या कई बार कि जैसे किसान ने अपने एरिया में सोल अपने गांव में मतलब अपने खेत में सोलर पंप लगाया और उसने 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की तो 20 जो यूनिट बची उसके पास एक्स्ट्रा वो क्या करेगा ग्रिड को बेच देगा। अब ग्रिड के पास जो यूनिट जाएगी ना ग्रिड आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करता है, ग्रिड के पास इलेक्ट्रिसिटी वो स्टोर नहीं हो पाती है, मतलब ग्रिड में कोई बैटरियाँ नहीं होती कि वो जो भी इलेक्ट्रिसिटी उसके पास आ रही है उसको स्टोर करके रख लें। अगर उस कंडीशन में 20 जो यूनिट ग्रिड के पास आई और ग्रिड के किसी वाले दूसरे एरिया में उस यूनिट की जरूरत ही नहीं है तो ग्रिड के पास तो फालतू की वेस्ट होगी ना, ग्रिड को फालतू का पैसा देना पड़ेगा किसान को, तो हुआ क्या मतलब ये मिसमैनेजमेंट हो सकता है। तो इसलिए गवर्नमेंट को ऐसा सिस्टम करना चाहिए कि भाई जिधर से ज़्यादा सप्लाई आ रही है मतलब जिधर से सोलर एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है उस वाले एरिया से जिधर सोलर एनर्जी की डिमांड है उधर सप्लाई की जाए, मतलब बात सीधी सी है कि पूरे इंडिया का जो ग्रिड है ना ऑल इंडिया ग्रिड उसको कनेक्ट करना होगा, ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे एरिया में, क्योंकि देखो एरिया में तो ज्योग्राफी का डायरेक्टली इफेक्ट होता है कि भाई इस एरिया में जैसे आज बादल हो रखे हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कम प्रोड्यूस हो रही है, तो ऑब्वियसली मतलब उस वाले एरिया के भी खेतों किसानों को है ना इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत ज़्यादा होगी तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड करेंगे तो उस कंडीशन तो उस वाले एरिया में ग्रिड पावर ग्रिड में इलेक्ट्रिसिटी और ज़्यादा चाहिएगी। तो इस चीज़ से गवर्नमेंट को क्या कि ऑल इंडिया ग्रिड को कनेक्ट करना होगा ताकि होगा किसी एरिया में अगर इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो दूसरे एरिया में ट्रांसफर कर दीजिए, अगर किसी एरिया में कम हो रही है तो वहाँ से एक्चुअली
एक्चुअली कि वापस ले लीजिए, इस तरीके से सारा मैनेजमेंट है वो चला दीजिए। तो इस आर्टिकल में मेनली यही दो तीन पॉइंट बताए गए जो हम एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले आर्टिकल में। अगला जो आर्टिकल है मेनली ये कोल माइनिंग के बारे में है। इस आर्टिकल में देखो काफ़ी अच्छे पॉइंट्स दिए गए हैं, वो हम देख लेते हैं। यह आर्टिकल GS3 के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इकोनॉमी में भी इसका यूज़ है, वो हम कर सकते हैं इकोनॉमी के पॉइंट्स में। मतलब देखो आर्टिकल ये कह रहा है कि भाई गवर्नमेंट ने अभी प्राइवेट सेक्टर को भी अनुमति दे दी है कि वो भी कोल माइनिंग वगैरह कर सकते हैं। तो इस आर्टिकल में थोड़ा स्टार्टिंग से ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि बैकग्राउंड से कि सीन क्या है कोल माइनिंग में, प्राइवेट सेक्टर कब से अलाउ है, क्या नहीं है। हम बात करते हैं आज़ादी से, 1947 से। देखो 1947 के टाइम पे सीन ऐसा था कि प्राइवेट सेक्टर थे वो अपनी कोल माइनिंग वगैरह यूज़ कर सकते थे किसी भी काम वगैरह में। मतलब प्राइवेट सेक्टर को भी अनुमति थी कि वो कोल माइनिंग में यूज़ वगैरह कर सकते हैं और किसी भी काम के लिए इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस करनी हो या फिर इसको बेचना, सारे काम कर सकते हैं। उसके बाद हुआ ये 1973 की, जब थी इंदिरा गांधी की सरकार। तो 1973 में इंदिरा गांधी साहब आई और उन्होंने क्या किया कि भाई राष्ट्रीयकरण कर दिया कोल माइनिंग का, मतलब नेशनलाइजेशन कर दिया, जिसका मतलब राष्ट्रीयकरण करने का मतलब यह है कि जो भी कोल माइनिंग थी अब वो गवर्नमेंट के अंडर आ गई, मतलब गवर्नमेंट की मोनोपोली होगी। अब गवर्नमेंट जो चाहेगी ना, गवर्नमेंट की सारी वो माइनिंग हो गई है। जिस प्रकार से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था ना, उसी प्रकार से कोल माइनिंग का राष्ट्रीयकरण कर दिया। गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया? गवर्नमेंट ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली बहुत ज़्यादा हो रही थी और गवर्नमेंट के पास था नहीं एक्चुअली कोल माइनिंग, ताकि गवर्नमेंट सबसे बड़ी बात थी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाती। देखो कोयले का जो मैक्सिमम यूज है ना वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में ही होता है, मतलब पावर जनरेट करने में कोयले का ज़्यादा यूज है, सबसे ज़्यादा उसी में सेक्टर में होता है। तो उस टाइम पे आपको पता है कि हमारे देश की इकोनॉमी इतनी अच्छी भी नहीं थी 1973 के टाइम पे। तो 1973 में इंदिरा गांधी ने एक्ट बनाया कोल माइनिंग के लिए, राष्ट्रीयकरण करने के लिए कोल माइनिंग राष्ट्रीयकरण एक्ट बनाया 1973, और उसी में गवर्नमेंट ने प्रावधान कर दिया कि भाई अब सारी जो कोल माइनिंग है वो गवर्नमेंट के अंतर्गत। इसी के तहत फिर गवर्नमेंट की एक कंपनी है जिसका नाम है कोल इंडिया लिमिटेड। तो कोल इंडिया लिमिटेड है वही आज इंडिया में 80% कोयले की जो सप्लाई वगैरह है, 80% जो कोयला है उसको हम कंट्रोल करती है। मतलब 80% सप्लाई वगैरह डिस्ट्रीब्यूट जो भी कुछ करना हो वो सारा काम कर किया जाता है कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। अब बचा 20% जो कोयला है ना वो माइनिंग वगैरह का, वो कोयला यूज़ किया जाता है या तो जैसे किसी पर्टिकुलर फार्म द्वारा या फिर छोटे मोटे कोई स्पेशल प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। मतलब कोई छोटी मोटी कंपनी को थोड़ा बहुत टेंडर देते कि हाँ भाई आप 2-4 दिन के लिए, 2-4 महीने ऐसे कुछ के लिए वो दिया जाता है। और इसी के साथ उसमें 20% में एक बात आती है कैपेसिटिव पावर के लिए। अब ये बात आ गई कि कैपेसिटिव पावर होती क्या है भाई। कैपेसिटिव पावर का मतलब ये होता है कि देखो कुछ जो मेनली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं ना, थर्मल पावर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाली जो पावर प्लांट होते हैं ये मैक्सिमली आपको पता है कि कोयले से ही चलते हैं, तो ऑब्वियसली उनको कोयले की जरूरत होती है। तो कई बार वो क्या कहते हैं भाई गवर्नमेंट से डायरेक्टली डील कर लेते हैं कि देखो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है और हमें क्या है कोयले की माइनिंग चाहिए, हमें कोयला है उसके खान वगैरह चाहिए। तो डायरेक्टली कहते हैं कि भाई आप हमें, गवर्नमेंट को कहते हो कि भाई आप हमें एक माइन दे दो, उसका हम सिर्फ और सिर्फ यूज करेंगे हमारी पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। ध्यान से ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट ही है कि सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर वो एक ही काम यूज कर सकते हैं स्पेशल काम के लिए। वो काम क्या है कि भाई उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है, इसलिए डायरेक्टली लीज पे लेते हैं कि हाँ साहब सरकार आप हमें इलेक्ट्रिसिटी के प्रोड्यूस करने के लिए दे दो ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे और फिर बाकी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसलिए मतलब पर्टिकुलर मोटो के लिए ही गवर्नमेंट केवल उनको प्राइवेट सेक्टर को अनुमति देती थी। ये किया गवर्नमेंट ने 1973 में, ये प्रावधान किया कैपेसिटिव कोल माइनिंग के तहत। इसके बाद में बात आती है, ये सिस्टम चलता रहा, बात आती है 2014 की। तो 2014 में राइटर ये कह रहे हैं कि काफ़ी चेंजेस हुए। 2014 में चेंजेस ये हुए कि काफ़ी घोटाले सामने कोल माइनिंग के कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर ढंग से नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट काफ़ी धांधलेबाजी कर रही है, सारे केसेस आई सामने। सबसे बड़ा इश्यू है वो है ऑक्शन का, कि भाई बोली है ना वो सही ढंग से नहीं लग रही है और उसकी वजह से समस्या और ज़्यादा गंभीर हो रही है। तो उसको लेके बाद में गवर्नमेंट ने 2015 में एक्ट बनाया कोल माइनिंग एक्ट 2015 बनाया। उसमें ये प्रावधान किया कि भाई प्राइवेट सेक्टर हैं वो भी ऑक्शन वगैरह में भाग ले सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर भी माइनिंग वगैरह कर सकते हैं। मतलब 1973 से पहले जो सिस्टम था उसे वापस अलाउ कर दिया गया 2015 में। तो अभी है न्यूज़ ये आर्टिकल इसलिए है क्योंकि अभी कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है ना, उसने अप्रूवल दे दिया कि हाँ भाई काम स्टार्ट हो जाना चाहिए। 2015 में एक्ट बना था और अभी के रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने अनुमति दे दी कि ऑपरेशनिंग जो फंक्शन है वो स्टार्ट कर दिया, मतलब काम कार्य है वो अभी गति पकड़ना शुरू कर देगा। तो ये इसकी कंप्लीट न्यूज़ थी। बाकी इसमें एक दो पॉइंट, अब देखो क्या फ़ायदे आते हैं। अब राइटर ये कह रहे हैं कि देखो इसके कुछ फ़ायदे भी हो सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को अनुमति देने के, और प्राइवेट सेक्टर को अनुमति देने के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। अब क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं वो देख लो। सबसे पहले राइटर ये कह रहे हैं कि फ़ायदा तो देखो इसका सबसे ज़्यादा होगा कि नॉर्थ ईस्ट के एरिया में फ़ायदा इसलिए होगा क्योंकि देखो हमारा ये कंट्री है, मान लो हमारी
हाँ, और हमारे देश में मैक्सिमम जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया ना, इधर नॉर्थ ईस्ट और ये जो मतलब बंगाल वाला एरिया है, बंगाल वाला एरिया हो गया, उड़ीसा वाला एरिया हो गया, या फिर इधर जो आसाम वगैरह ये वाला एरिया, इस वाले एरिया में क्या कि सबसे ज़्यादा कोल माइनिंग है। मतलब मैक्सिमम जो कोयले की जो एक तरह से माइनिंग है वो इसी एरिया में होती है मैक्सिमम। तो आप देखा जाए तो छत्तीसगढ़ हुआ, यहाँ पे बिहार हुआ, छत्तीस उड़ीसा होगा, इस वाले एरिया में माइनिंग ज़्यादा होती है। तो और आर्टिकल कह रहा है कि वो वाला एरिया ज़्यादा डेवलप नहीं है, वहाँ पे नक्सलवादी काफ़ी ज़्यादा एरिया का मतलब प्रकोप है वो ज़्यादा फैला हुआ है। अगर इस कंडीशन में यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को अनुमति जाएगी, इसका मतलब साफ साफ क्या है कि गवर्नमेंट वहाँ पे ऑक्शन है बोली लगेगी। अगर गवर्नमेंट यहाँ पे बोली लगेगी तो मतलब गवर्नमेंट को अच्छा खासा पैसा वो मिलेगा, मतलब मोटी रकम मिलेगी। तो गवर्नमेंट इस पैसे का यूज़ क्या करेगी, पर्टिकुलर इसी स्टेट में गवर्नमेंट को खर्च करना होगा। तो वो बात ही होगी कि इस वाले एरिया का डेवलपमेंट होगा और यहाँ पर जो समस्या है ना उसे निजात मिलेगी। तो एक तो ये बहुत अच्छा फायदा होने वाला है कि जो ट्राइबल एरिया का उसका भी डेवलपमेंट होगा, और यहाँ पे जो समस्या है इस वाले एरिया में उससे हमें मुक्ति है वो मिल जाएगी। इसके बाद में बात ये आती है कि देखो, एक तो कंपटीशन बढ़ेगा क्योंकि ऑब्वियसली पब्लिक जो कंपनी है वो भी रहेंगी और प्राइवेट कंपनी भी रहेंगी, तो कंपटीशन भी बढ़ेगा। पावर सप्लाई है वो भी सुनिश्चित हो जाएगी क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी। इसी के साथ जॉब्स है वो भी क्रिएट होंगी क्योंकि प्राइवेट कंपनियाँ ऑब्वियसली नई अपनी माइनिंग वगैरह लगेंगी तो उनको नई जॉब्स क्रिएट की जाएंगी। इसके साथ नई टेक्नोलॉजी आएंगी, नई अकाउंटेबिलिटी है वो फिक्स हो जाएगी कि भाई सबको काम इतना इतना करना है, और जो करप्शन वगैरह है वो भी कुछ हद तक कम हो जाएगा। इसके बाद में बात ये आती है, राइटर ये कह रहे हैं कि बट देखो गवर्नमेंट को जो काम है ना ढंग से करना है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट भेदभाव करे। भेदभाव का मतलब यहाँ पे ये है कि गवर्नमेंट जो अपनी खुद की कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड, उसको तो अच्छी अच्छी माइनिंग दे दे और जो बाकी का कचरे की जो माइनिंग है वो वाली दे दे ऑक्शन के लिए, तो उससे तो साफ साफ मोनोपोलिया भेदभाव वो होता रहेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट को प्रॉपर ढंग से एलोकेशन होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता होनी चाहिए सामने क्लियर कि भाई अच्छी माइनिंग है वो भी जानी चाहिए और जो कचरे की माइनिंग है वो भी सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जो अच्छी अच्छी माइनिंग है वो तो कोल इंडिया लिमिटेड रख ले और जो बाकी लास्ट में बच गया कचरा वो केवल गवर्नमेंट ऑक्शन के लिए रखें। तो ये गवर्नमेंट को पारदर्शिता में बंटवारा है वो भी सही ढंग से करना होगा। इसी के साथ कंपनीज़ को भी फायदा होना चाहिए। कंपनीज़ को फायदा होने की बात ऐसी है देखो कि कई बार क्या है कि जो बोली लगाई जाती है ना वो इतनी ज़्यादा लगा दी जाती है कि रेवेन्यू उतना होता नहीं है। जैसे कि अभी हमारे रिसेंटली टेलीकॉम सेक्टर में हो रहा है, अभी टाटा की जो टेलीकॉम सेक्टर थी टाटा डोकोमो वो भी बंद कर दी गई। वो बंद क्यों हुई, क्योंकि जितने रुपये में बेचारे वो स्पेक्ट्रम खरीदे, जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपये में स्पेक्ट्रम खरीदा, अब 1 लाख करोड़ रुपये उन्होंने स्पेक्ट्रम तो खरीद लिया बट उनका रेवेन्यू हो रहा है 70,000 करोड़, मतलब 30,000 करोड़ का तो उनको नुकसान हो रहा है, उनका रेवेन्यू नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं नुकसान है ना। तो यही बाल हो गया था। तो राइटर ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को इस वाले सेक्टर में भी फोकस करना है कि भाई ऑक्शन की जो बोली वो इतनी ज़्यादा नहीं हो कि उनको प्रॉफिट तो हो कम और उनको लॉस ज़्यादा हो जाए। इससे तो ये होगा कि प्राइवेट सेक्टर आएंगे नहीं, तो मतलब इंडायरेक्टली गवर्नमेंट की मोनोपोली हो जाएगी। तो इसलिए गवर्नमेंट को काफ़ी सोच समझ के स्टेप उठाना चाहिए और जो बोली है ना वो ज़्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज लॉस ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कंप्लीट आर्टिकल था। अब चलते हैं हम आगे, अगला जो ये आर्टिकल है ये देख लेते हैं। ये तो मैंने ईरान रिलेशन के बारे में है, तो इस आर्टिकल के दो कुछ पॉइंट है वो तो हमने भी 3-4 दिन पहले डिस्कस किए थे, अप्रोक्सीमेट 20 फरवरी को जो आर्टिकल था वहाँ पे डिस्कस किए थे कि इंडिया और ईरान के रिलेशन काफ़ी अच्छे से। और यहाँ पे जो ये आर्टिकल है ये है मैनली जो अभी हमारे रिसेंटली आर्मी चीफ है नितिन राउत, उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था उसको लेके। तो इसमें तो कुछ देखो काम का है नहीं, इसमें तो मैनली उन्होंने ये बात कही है कि भाई साहब जो भी नॉर्थ ईस्ट के एरिया में के जो डेमोग्राफिक डिविडेंट है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है। क्यों, क्योंकि वहाँ के पॉलिटिकल पार्टियाँ वो वोट बैंक के चक्कर में क्या कर रही हैं, जो पड़ोसी देश है वहाँ से एक्चुअली लोगों को इमिग्रेशन वहाँ से लोगों को क्या कर रही है, माइग्रेट कर रही हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर डेमोग्राफिक डिविडेंट चेंज हो रहा है और उससे वो पॉलिटिकल पार्टियाँ सारा सिस्टम वो बिगाड़ रही हैं। तो वो बात यहाँ पर कही गई है। तो बाद में राइटर ये कह रहे हैं देखो कि जो आर्मी है ना उसको इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए पॉलिटिक्स में। आर्मी अगर इंटरफेरेंस करेगी तो अच्छी बात नहीं है, जिस प्रकार पाकिस्तान में आर्मी इंटरफेरेंस करती है तो उसकी वैल्यू अच्छी नहीं है, तो इसी प्रकार इंडिया की वैल्यू काफ़ी अच्छी है पूरे वर्ल्ड में कि भाई इंडिया के मामलों इंडिया के जो पॉलिटिक्स उसमें आर्मी इंटरफेयर नहीं करती, पर अगर नितिन राउत इंडिया के पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं हो सकता है कि इनके द्वारा कही हुई बात सही हो। राइटर ये कह रहे हैं कि उनकी बात से मुझे कोई विरोध नहीं है, बट अगर वो डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल मुद्दों में सपोर्ट करेंगे या मतलब हस्तक्षेप करेंगे तो वो हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात है नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, बाकी काम का नहीं है आर्टिकल। ये देखते हैं इंडिया ईरान रिलेशन के बारे में, देखो इसको हम थोड़ा स्टार्टिंग से देख लेते हैं एक बार, ताकि एक बार रिवाइज भी हो जाएगा, हमारा काम भी बन जाएगा, तो ये काफी अच्छी बात है। इस आर्टिकल को देखते हैं इंडिया ईरान वाले को, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम 1979 की बात, 1979 से। देखो 1979 से पहले का सीन ऐसा था कि ईरान के अंदर शाह डायनेस्टी थी, उसका रूल था, मतलब शाह की सत्ता चल रही थी वहाँ पे, और जो शाह डायनेस्टी थी ना वो थी यूएसए के काफ़ी क्लोज। तो आपको बताया कि उस टाइम पे तो इंडिया की यूएसए के साथ बनती नहीं थी, मतलब इंडिया की ज़्यादा रिलेशन अच्छी नहीं थी यूएस के साथ। तो ऑल ओवर सीधी सी बात ही होगी कि इंडिया के रिलेशन उस टाइम पे ईरान के साथ भी अच्छे नहीं थे, 1979 से पहले की बात है। मतलब भारत आज़ाद हुआ था 1947 से लेकर 1989 तक के बीच में जो टाइम है, इस टाइम पे इंडिया के रिलेशन ना तो ईरान के साथ अच्छे थे
ना ही यूएसए के साथ, क्योंकि ईरान के रिलेशन यूएसए के साथ उस टाइम पे काफ़ी अच्छे थे, क्योंकि वहाँ की जो डायनेस्टी थी उसके काफ़ी ज़्यादा रोल था। एक तरह से तो पपेट्री वगैरह भी कहा जाता था कि भाई ये तो यूएसए की पपेट्री वगैरह है, वो सारी बात आती है। बट हुआ क्या बाद में, 1979 में आया जो ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशन आया, इस्लामिक रिवोल्यूशन में कुछ चेंजेस इस प्रकार हुए कि भाई ईरान के अंदर आ गई थियोक्रेसी। थियोक्रेसी का मतलब यह है कि यहाँ पे जो सुप्रीम लीडर थे ना उनकी ज़्यादा चलने लगी, मतलब सुप्रीम लीडर ने पावर है अपने पास कर ली सारी पावर, बाकी लोगों के पास पावर है वो नहीं रखी। डेमोक्रेसी भी थी कुछ हद तक, बट वो डेमोक्रेसी और वो तानाशाही वाला मिक्सअप वाला रूप था, तो इसीलिए थियोक्रेसी थी बोलते हैं उसको। और जो ये थियोक्रेसी थी ये आपको पता है इस्लाम के प्रति समर्पित थी, तो मतलब सीधी सी बात ही है इंडिया के विरोध थी और ये थी पाकिस्तान के क्लोज, तो ऑब्वियसली 1979 के टाइम पर जो हुआ था वो भी इंडिया के सपोर्ट में नहीं था। मतलब 1979 के कुछ साल बाद तक भी इंडिया के रिलेशन ईरान के साथ ठीक ठाक नहीं हुए, जैसे थे बेकार वगैरह वो जैसे ही चल रहे थे। अब बात आती है 1990 की, आर्टिकल यह कह रहा है कि भाई 1990 में गाड़ी वो पटरी पे आना शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि 1990 में इंडिया और ईरान के रिलेशन धीरे धीरे इंप्रूव होना शुरू हो गए थे, काफ़ी सारे चेंजेस हैं वो आने लग गए थे। और इसके बाद देखा जाए तो 2003 में तो सीन ऐसा हुआ कि इंडिया और ईरान के रिलेशन काफ़ी पीक में थे, मतलब अभी हमारे जो रिलेशन है उससे भी अच्छे थे 2003 के टाइम पे। 2003 में इंडिया और ईरान के रिलेशन बहुत क्लोज थे, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी इंडिया में विजिट हुए, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पर विजिट वगैरह करते थे, सारा अच्छा खासा चल रहा था। अब बात आती है 2003 के बाद, 2003 के बाद आता है सीन 2005 का। 2005 में सीन कुछ इस तरीके का हुआ कि भाई यूएसए ने ईरान के ऊपर सेंक्शन लगाना शुरू कर दिया कि ये मत करो वो मत करो, पड़ोसी कंट्रीज़ को मना कर दिया कि आप ईरान से ये वो नहीं कर सकते। और आपको पता कि इंडिया को यूएसए की जरूरत थी उस टाइम पे, और इंडिया के रिलेशन यूएसए के साथ ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे, तो इंडिया ने यूएसए की बात मान ली। मतलब क्या हुआ, इंडिया ने ईरान के ऊपर दो चार सेंक्शन लगा दिए, यूएन के अंदर जो रिजोल्यूशन वगैरह पास हुए थे उनको भी एक्चुअली अनुमति दे दी। मतलब अनुमति देने का मतलब है कि उन पर इंडिया ने हाँ समर्थन कर दिया यूएसए का। इसी के साथ इंडिया ने जो तेल का इंपोर्ट वगैरह करता था, एनर्जी वगैरह, वो सारी चीज़ें कम कर दी ईरान से। तो मतलब इंडिया और ईरान के 2005 में धीरे धीरे क्या थोड़ा दूर होना शुरू हो गया। दूर होने का मतलब ये है कि जितने अच्छे गाड़ी जैसे 100 की स्पीड से जा रही थी ना, वो धीरे धीरे 20 की स्पीड पे आ गई। रिलेशन थोड़ा बहुत ठीक होते जा रहे थे बट उतने अच्छे नहीं हुए, क्योंकि देखो जो ट्रेड हो गया था वो भी बहुत कम हो गया था, और ऑल ओवर भी इतना बेनिफिट है वो नहीं चल रहा था। अब इसके बाद में बात राइटर ये कह रहे हैं कि देखो अभी रिसेंटली बात ऐसी है कि जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे वो इंडिया विजिट पे आए थे। अगर उनके प्राइम मिनिस्टर इंडिया विजिट पे आए थे 3 दिन की, तो ऑब्वियसली रिलेशन काफ़ी अच्छे इंप्रूव होने चाहिए थे। बट राइटर ये कह रहे हैं जितने अच्छे इंप्रूव होने चाहिए थे ना उतने नहीं हुए। उतने अच्छे इंप्रूव इसलिए नहीं हुए क्योंकि काफ़ी कुछ खामी है। जैसे एक तो क्या है कि इंडिया यूएसए के चक्कर में रहता है ज़्यादा कि यार यूएसए का सपोर्ट चाहिए, तो उस चक्कर में क्या करते हैं, अगर फिर भी जैसे यूएसए भी ईरान की न्यूक्लियर डील वाला इश्यू चल रहा है, अगर वो ईरान की न्यूक्लियर डील को अभी रद्द कर देंगे, जैसे अभी तो यूएसए ने जो ट्रंप मासे हैं उन्होंने एक बार कह दिया है कि नहीं नहीं भाई मैं जनवरी में तो भाई इसको एक बार सॉरी अप्रैल में तो मैं एक बार रिन्यू कर दूंगा, उसके बाद मैं इसको रिन्यू नहीं करने वाला हूँ, वो वाला सीन चल रहा था। तो अब हमारे लिए काम की बातें यहाँ पे दो तीन ही आती हैं कि अभी रिसेंटली क्या चल रहा है, क्यों रिलेशन इंप्रूव नहीं, रिलेशन अभी इंप्रूव इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि देखो दोनों कंट्रीज है ना, ईरान और इंडिया की बात करते हैं, दोनों की डिमांड है वो अलग अलग है। देखो ईरान की डिमांड ये है कि ईरान अपने पड़ोसी देश में यमन और सीरिया के अंदर ज़्यादा फोकस कर रहा है कि वहाँ पे हालात ज़्यादा अच्छे नहीं है, तो इसलिए वो उस वाले एरिया में फंसा हुआ है। और इंडिया की बात करते तो इंडिया तो पाकिस्तान और चाइना के बीच में ही लटका हुआ पड़ा है। तो सीन मतलब क्या है कि दोनों अपनी डिमांड है अलग अलग, इंडिया की डिमांड कुछ अलग है, चाइना ईरान की डिमांड है कुछ अलग है। तो इस तरीके से दोनों की डिमांड सेम नहीं होने की वजह से आपस में रिलेशन ज़्यादा इंप्रूव है वो नहीं हो रहे हैं। अब यहाँ पे बात आती है जो एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी यहाँ पे बन सकता है, वो मेनली वो है कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। देखो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है ये मेनली ईरान की न्यूक्लियर डील ही है। ये मेनली आपको बताया कि 2015 में साइन हुई थी, इसमें P5+1 कंट्रीज़ थी। P5+1 कंट्रीज़ का कौन कौन सी हैं, 5 तो वो कंट्रीज़ हैं जिनके पास वीटो की पावर है, और एक कंट्रीज़ में है जर्मनी। तो ये हमें ध्यान रखना P5+1 कंट्री से ईरान न्यूक्लियर डील को, दूसरे नाम से भी UPSC पूछ सकती है कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन क्या है। तो ये ध्यान रखना कि ईरान भाई न्यूक्लियर डील है, वही सारा सीन है ये। अब यहाँ पे बात ये थी कि देखो ईरान की न्यूक्लियर डील अगर कैंसिल हो जाती है तो उस कंडीशन में ट्रंप वापस सेंक्शन लगाएंगे, क्योंकि ट्रंप का सेंक्शन लगाने का मतलब है कि ट्रंप ने अगर जैसे इस डील को वापस रिन्यू नहीं किया, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि भाई ट्रंप को ये जो डील है ना, जो ईरान न्यूक्लियर डील, इसको हर 90 दिन में रेक्टिफाई करना होता है, कि मतलब वेरीफाई करना होता है कि हाँ भाई ठीक है कंटिन्यू रहे वाला सीन। बट अगर हर 90 दिन में कंटिन्यू नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में जो यूएसए की कांग्रेस है वो इस पर सेंक्शन लगा सकती है कि हाँ भाई स्टे लगा देगी कि हाँ ऐसा काम नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में जो वहाँ पे सेंक्शन वगैरह लग गए तो फिर इंडिया है वो यहाँ से तेल वगैरह इंपोर्ट नहीं कर पाएगा, तो फिर रिलेशन और ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। तो बाद में राइटर ये कह रहे हैं कि देखो अभी जो विजिट हुई थी काफ़ी अच्छी हुई थी, बहुत सारे एग्रीमेंट भी साइन हुए थे, देखा जाए तो इंडिया का इन्वेस्टमेंट है वो भी वहाँ पे बढ़ा है, इसके साथ बात है तो ट्रेड वगैरह वो भी बायलेटरल वो भी गवर्नमेंट को इंप्रूव करने की जरूरत है अभी, क्योंकि ट्रेड देखो बहुत कम हो गया था इंडिया और ईरान के बीच में। इसी के साथ ही सीधी सी बात यह है कि दोनों कंट्रीज़ को साथ आना होगा, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ अभी पता क्या करी हैं, वेट एंड वॉच वाली लिस्ट में आ रही है, मतलब दोनों वेट कर रही हैं कि किस तरीके से आगे सीन होगा,
होगा उस तरीके से हम एक्शन है वो लेंगे। तो वेट एंड जो आज वाली जो अप्रोच है ना, इसको हमें आगे लेके जाना होगा, और जो काम है सीधे से मेन बात ये कि रिलेशन हमें इम्प्रूव करने होंगे। तो ये बात सारी इस आर्टिकल में की गई है। तो ये थी हमारी आज की कंप्लीट डिस्कशन। एक बार देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने आप जो कुसुम स्कीम के बारे में डिस्कस किया, भाई किसानों को किस किस तरीके से फायदा हो सकता है, और गवर्नमेंट को इसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं कि भाई एक तो जो ग्रिड है ना उसको पूरी इंडिया के ग्रिड को एक साथ कनेक्ट करना है, ताकि किसी एरिया में इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही हो किसानों के द्वारा, तो उस इलेक्ट्रिसिटी को जिस एरिया में कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वहाँ पर सप्लाई कर दी जाए। इसके बाद में बाद दूसरा आर्टिकल डिस्कस किया था, वो क्या था, कोल माइनिंग के में, कि भाई कोल माइनिंग में प्राइवेट सेक्टर को अनुमति दे दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, अभी कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा, तो उसका काफ़ी कुछ फायदा हो सकता है। बट गवर्नमेंट को जो एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी अपनी और जो पारदर्शिता वो रखनी है, मतलब गवर्नमेंट को कोई भेदभाव वगैरह नहीं करना है। इसके बाद में हमने अगला आर्टिकल देखा कि ईरान और इंडिया के बीच में, कि ईरान इंडिया रिलेशंस के पॉइंट वो हमने डिस्कस किए। इधर वाला जो आर्टिकल था वो नितिन राउत की जजमेंट के बारे में था। तो देखो ये आर्टिकल यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस वगैरह बिल्कुल नहीं पूछने वाली इंडियन डेमोक्रेसी के मामले की वजह से, तो ये तो कोई काम का नहीं है। बाकी जो तीन आर्टिकल थे वो हमने आज देख लिए हैं। तो फिलहाल आज की डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।